मकतले हुसैन लिखी है, तो जो और 57 हिजरी में अगर वो पैदा हुआ हो तो 61 हिजरी में उसकी उम्र कितनी होगी? 4 साल। 4 साल की उसकी उम्र होगी जब ये वाकया पेश आया। और फिर ये वाकया जहां पेश आया करबला के अंदर, वहां 4 साल का अगर कोई बच्चा था तो वो कूफी लश्कर में नहीं था। कूफी लश्कर में तो कोई नहीं था 4 साल का बच्चा। अगर कोई 4 साल का बच्चा था तो छोटे बच्चे हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला के साथ थे। और हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला के साथ जितने बच्चे थे उन सब का जिक्र तारीख खुद बताती है कि उनमें से कौन बच्चा था और कौन बड़ा था। वो 72 अफराद का काफिला, उनके सबके नाम मजकूर है। उसमें अबू मिखनफ तो नहीं था ना, ये तो वहां नहीं था। लेकिन किताब ऐसे लिखी है इसने जैसे इसने चश्मदीद यानी खुद देख कर वाकयात, फला उठा, फला ने तलवार उठाई, फला ने घोड़े ने चक्कर काटा, फला ने ये कहा, फला ने वो कहा, पूरी तफसील, और हम एतबार किए बैठे। अल्लाह अकबर। और वो एतबार करके और फिर हम कहते हैं हाँ जी हाँ, मुहर्रमुल हराम बड़ी फजीलत वाला महीना, इसलिए कि इसमें वाकया शहादत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने पेश आया है। हम समझते हैं शायद इस वजह से अहमियत। अल्लाह का कुरान कहता है कि ये 4 महीनों की यकसा अहमियत है, एक महीना नहीं 4 महीने हुरमत वाले महीने हैं। और उन चारों को अल्लाह ने उस दिन से हुरमत वाला बनाया है जिस दिन अल्लाह ने ये कायनात तख्लीक फरमाई थी। लिहाजा एक वाकया, कितने वाकयात हुए होंगे, मैंने गुज़श्ता जुमे में उम्र फारूक रज़ी अल्लाह तआला की शहादत की बात की कि कितने वाकयात हुए होंगे जो मुहर्रमुल हराम में हुए, कितने वाकयात हुए जो दीगर जो हुरमत वाले महीने हैं उनके अंदर हुए। सवाल ये पैदा होता है कि ये तारीख के वाकयात, इसका ये एक पहलू है कि वो काबिल एतबार हैं वाकयात या नाकाबिल एतबार हैं, ये एक पहलू है। तो मैं सिर्फ इतनी बात अर्ज कर रहा था कि काबिल एतबार होने या ना होने के एतबार से मुझे और आपको कम अज़ कम ये तो सोचना चाहिए कि जिस बंदे ने तारीख लिखी है, जो 57 हिजरी में पैदा हुआ, अगर उसने 100 साल भी उम्र पाई, उसका सन्ने वफात, उसका सन्ने वफात, मैं गलत कह गया, मैं दोबारा अपनी बात रिपीट करता हूँ, उसका सन्ने वफात 157 हिजरी, उसका सन्ने वफात 157 हिजरी, 157 हिजरी में फौत होने वाला अगर 100 साल की भी उम्र रखता हो तो उसका तारीख पैदाइश, सन पैदाइश क्या बनता है? 57 हिजरी बनता है। 57 हिजरी में जो पैदा हुआ वो 61 हिजरी में 4 साल का था। 4 साल का बच्चा कोई ना अबू मिखर, ना अबू मिखरफ नाम का बच्चा ना उस लश्कर में था ना उस लश्कर में, गोया वहां पर मौजूद नहीं था। तो फिर किताब इसने कैसे लिख दी, कहां से इसको तफसीलात मिली, किसने इसको बताया कि वाकया करबला में क्या कुछ हुआ? वाकया करबला तो हुआ, हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला शहीद तो हुए, लेकिन ये जो उस वाकये को दीन की बुनियाद बनाने के लिए जो मन घड़त कहानियां घड़ी गई हैं, उसका सबूत मांगने के लिए, उसकी दलील मांगने के लिए, उसके उस पर उसके ऊपर एतबार करने की बुनियाद हासिल करने के लिए किसी को कोई फिक्र ही नहीं है। लोग उसको ईमान का हिस्सा समझते हैं। सुन लीजिए, हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत, बल्कि हसनैन करीमैन की, दोनों हजरत हसन भी और हजरत हुसैन भी रजी अल्लाह तआला अन्हुमा, उनकी मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है, बल्कि ऐन ईमान है। इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत रखता हूँ, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, अल्लाह मैं इन दोनों से प्यार करता हूँ, ऐ अल्लाह तू भी इन दोनों से प्यार कर। सुभानअल्लाह, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दोनों से प्यार कर। कितना प्यार, हम तो कभी सोच सकते हैं आज के माहौल में कि मौलवी साहब खुतबा दे रहे हों मिंबर पे और उसका बच्चा नीचे से आए
और वो खुतबा रोक कर उतरे और अपने बच्चे को उठा ले, आज के दौर में, आज के माहौल में उसका तसव्वुर कर सकते? सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, दोनों शहजादे लंबी कमीजें पहने हुए लड़खड़ाते हुए मस्जिद में दाखिल हुए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा रोक दिया, खुतबा रोक के आप मिंबर से नीचे उतरे, दोनों को उठा लिया, दोबारा आ गए मिंबर पे, फिर आपने इरशाद फरमाया इन्नमा अमवालुकुम औलादुकुम फितना। अल्लाह ने कुरान में कहा है कि ये औलाद बड़ी आजमाइश है, औलाद इतनी बड़ी आजमाइश है कि उसकी मोहब्बत खुतबा मुनकता कर देने पर मजबूर कर देती है और सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजबूर कर देती है। इतनी मोहब्बत, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत रखता हूं, अल्लाह तू भी इनसे मोहब्बत कर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत कर और हर उस शख्स से मोहब्बत कर जो इनसे मोहब्बत रखता हूं। लेकिन वाकया शहादत उस्मानी, वाकया शहादत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला, इसका दीन के साथ ताल्लुक कहां बन गया? हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है, लेकिन उस वाकये से आपने एक पूरा दीन कशीद कर लिया और दीन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन है। दीन हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाना की मोहर लगी हुई बात का नाम दीन है। दीन किसी अबू मिखनफ लूत बिन याहिया, जो 100 साल बाद इस वाकये के फौत हो रहा है, जिसकी तारीख पैदाइश का, सन पैदाइश का कोई इल्म नहीं है, जो 157 हिजरी में फौत हुआ है, मन घड़त कहानियां लिखता है, उसकी कहानियां सुना के लोगों को इस शोक में मुब्तला कर लेने का नाम दीन नहीं हो सकता। और ऊपर से तुरफा तमाशा यह है कि उसको बुनियाद बनाकर सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के खिलाफ जुबान दराजी की जाती है। हमारे मुल्क का नेशनल एक्शन प्लान वो पता नहीं कहां सो गया है, कहां मर गया है। मैं तो ये कहूंगा किसी की हमीयत, किसी की कोई ईमानी गैरत जागती नहीं? क्या हमारा ताल्लुक इस्लाम के साथ है? किसको बर्दाश्त है और कैसे बर्दाश्त होता है किसी मुसलमान को कि सहाबाए किराम के खिलाफ कोई जुबान दराजी करे और वो वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड हो, पूरी दुनिया उसको सुने, हमारे कौमी इदारे बांझ हो गए हैं क्या? हमारे कौमी इदारों की ताकत जवाब दे गई है क्या कि ना वो उस वीडियो को डिलीट कर सकते हैं, ना वो उस वेबसाइट को ब्लॉक कर सकते हैं, ना वो उन लानती लोगों को गिरफ्तार कर सकते हैं जो सहाबा किराम के ऊपर दस्तराजी करें और जुबान दराजी करें? कोई ईमान की गैरत होती है, कोई ईमान की हया होती है। और बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे दिल में रत्ती भर ईमान शायद बाकी नहीं है अगर हम सहाबा किराम के खिलाफ जुबान दराजी पर सीख पा नहीं होते। लोग कहते हैं मॉडरेट रहना चाहिए, लोग कहते हैं कि हमाहंगी की बात करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, हमाहंगी की बात करनी चाहिए, हम भी इस बात के कायल हैं, इत्तेहाद की बात करनी चाहिए। लेकिन तुम्हारे सारे इत्तेहाद गए भाड़ में, तुम्हारे किसी इत्तेहाद की बात हम नहीं मानते, जहां इत्तेहाद के नाम पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों के ऊपर तबर्रा किया जा रहा हो, सहाबा किराम के बारे में जुबान दराजी की जा रही हो, तुम्हारा दीन के साथ ताल्लुक ही क्या है? तुम हो किस बाग की मूली? तुम्हारी हैसियत ही दीन में क्या है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तसुब्बु अस्हाबी, मेरे सहाबा को कभी बुरा ना कहना। इसलिए जुबान खोलने से पहले अपनी हैसियत का अंदाजा करो कि तुम हो क्या। तुमने सारी जिंदगी लगाई हो, तुमने सारी जिंदगी दीन के लिए लगाई हो, तुमने सारी जिंदगी तहज्जुद में गुजारी हो, तुमने सारी जिंदगी अपना तन मन धन
सब कुछ कुर्बान कर दिया हो तो भी अगर सहाबा किराम ने एक मुश्त अगर कोई सदका किया है ना अल्लाह के दरबार में, तुम उसके बराबर नहीं पहुंच सकते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वलौ अन्ना अहदकुम, अगर तुम में से कोई खर्च कर दे कितना अनफका ज़हबन, वो खर्च कर दे मिसला ओहदिन, ओहद पहाड़ के बराबर भी तुम में से कोई सोना खर्च कर दे ना, ओहद पहाड़ कहते हैं, ओहद पहाड़ ऊंचाई पता नहीं उसकी कितनी है, उसकी जो चौड़ाई है वो 3 किलोमीटर है और उसकी लंबाई 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर लंबा पहाड़, 3 किलोमीटर चौड़ा पहाड़ और ऊंचा, कभी मस्जिद नबी से निकल के बाहर आप देखें सुभान अल्लाह सामने पूरे जलाल के साथ खड़ा है। और ओहद पहाड़ की मिसालें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत दी, इसलिए कि आप फरमाते हैं कि ओहद एक पहाड़ है जो हमसे मोहब्बत रखता है, हम उससे मोहब्बत रखते हैं, पहाड़ मोहब्बत रखता है, तो उसकी जो लंबाई चौड़ाई है, फरमाया उतना सोना भी तुम अगर खर्च कर दो तो भी तुम मेरे सहाबा किराम के बराबर नहीं पहुंच सकते। अभी कौन फरमा रहा है, कौन फरमा रहा है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसको फरमा रहे हैं? उस वक्त के जितने भी लोग थे उनको फरमा रहे हैं, और जिनको आप फरमा रहे हैं उनमें सहाबा भी मौजूद थे। बात समझने की कोशिश करें, क्यों? इसलिए कि जो असाबिकून अलवलून हैं, जिन्होंने शुरू में आके दीन की खिदमत की, जो बाद में आने वाला है वो ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च कर दे तो उसके बराबर नहीं हो सकता। बाद में आने वाला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में, और अल्लाह का कुरान एक हद फासिल कायम करता है मिन कबल फतह, यानी फतह मक्का से पहले जिन लोगों ने खर्च किया उनका अल्लाह के यहां मामला ही और है, और जिन्होंने बाद में खर्च किया उनका मामला ही और है। तो सारी दुनिया की तारीखें पढ़ के देख लीजिए, जब पहले आने वाला बाद में आने वाला पहले आने वाले के बराबर नहीं हो सकता, चाहे वो सारी जिंदगी लगा दे, तो ये 14वीं सदी का काले दिल वाला ये किसी के बराबर कहां हो सकता है, या किसी की खाक के बराबर भी कैसे हो सकता है? पहले अपनी औकात तो पहचानो कि तुम्हारी जुबान किसके खिलाफ निकल रही है, तुम्हारी जुबान किसके खिलाफ खुल रही है। वो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का नमूना है, जिसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैर उम्मती फरमाया, मेरी उम्मत का अगर कोई बेहतरीन आदमी है तो वो अबू बकर है। सुभानअल्लाह। उम्र पीछे है, मैंने पिछले जुमे में भी अर्ज किया था कि एक बात उमर करता है अल्लाह कुरान बना के नाजिल करता है, खिताब उमर के बारे में है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि लौ कान बादी नबियन लकाला उमर, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होते। ये खिताब उमर के बारे में है, ये एजाज उमर को हासिल है कि उनकी राय कुरान बन के आ जाती है, लेकिन पहला नंबर उमर का नहीं है, वो अबू बकर का है रज़ी अल्लाह अन्हु। ये नंबरिंग ये मैं और आप नहीं कर सकते, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 17 नमाजें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में आपके हुक्म से मुसल्ला रसूल पर खड़े होकर अबू बकर रजी अल्लाह तआला ने पढ़ा, तुम्हारी जुबान किसके खिलाफ खुलती? यानी जब सहाबा किराम के बारे में हम बात करते हैं तो दरअसल हम तौहीन रिसालत के मुर्तकिब होते हैं। ये तौहीन सहाबा नहीं है, ये तौहीन रिसालत है, जिस पर अल्लाह ने इतबार किया, जिस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतबार किया, जिसको अल्लाह ने सर्टिफिकेट दिए, और जिसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर्टिफिकेट दिए जन्नत के, अल्लाह ने सर्टिफिकेट दिया वस्साबिकून अलअव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, जो सबसे पहले आए
जिन्होंने सबसे पहले तस्दीक की, जिन्होंने सबसे पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, चाहे वो मुहाजिरों में से है, चाहे वो अंसार में से है। वल्लज़ीन तबऊहुम बिहसान, अल्लाह अकबर। और ये ऐसा मुबारक टोला है कि इनके पीछे चलने वाले भी, वल्लज़ीन तबऊहुम बिहसान, जो इनके पीछे चलेंगे नेकी के रास्ते पर, वो अबू बकर के पीछे चल पड़े, वो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला के पीछे चल पड़े, वो उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला के पीछे चल पड़े, वो अली मुर्तजा रजी अल्लाह तआला के पीछे चल पड़े, जो सहाबा के रास्ते पर चल पड़ा, रजी अल्लाह अन्हुम व रदू अन्हु। सुभान अल्लाह, उनसे अल्लाह राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी हो गया। वअअद्द लहुम जन्नत, अल्लाह फरमाते हैं इनके लिए मैंने जन्नतें तैयार कर रखी, तजरी तहतहा अलअनहार, इन उनके नीचे नहरें जारी हैं। अल्लाह फरमाता है कुरान के में कि मैंने इनके लिए जन्नतें तैयार की हैं। किन के लिए? सिर्फ साबिकून अलअव्वलून के लिए नहीं, उनके उस रस्ते पर, नेकी के रस्ते पर उनके पीछे चलने वालों के लिए, जिस पर एतबार किया। आपको मालूम है कि कुरान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, लेके आने वाला कौन? जिब्रील। जिब्रील नहीं कहा कुरान में अल्लाह ने, फरमाया नाज़ला बिहिर रूहुल अमीन, इसको नाजिल करने वाला अमानतदार फरिश्ता है, अमीन है। फरिश्ता किसको कहते हैं? फरिश्ता उसको कहते हैं जिसके पास खयानत करने का जज्बा ही नहीं होता। फरिश्ता उसको कहते हैं जिसके पास अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी का जज्बा ही नहीं होता, उसके पास ताकत ही नहीं होती। जिसका ताल्लुक नाफरमानी के साथ हो ही ना सके, हम उसको फरिश्ता कहते हैं। और फरिश्तों का सरदार अल्लाह फरमाता है नज़ल बिहिर रूहुल अमीन, अमानतदार फरिश्ता। क्यों? क्योंकि कुरान का मामला था, हसास मामला था, अल्लाह के दीन का मामला था, लिहाजा वो दीन किसको दिया? जिब्रील अमीन। और नाजिल कहां किया? अला कल्बिका, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके कल्बे अतहर पर नाजिल किया है। लितकूना मिनल मुनजिरीन, अब आपने लोगों तक पहुंचाना है। 23 बरस लगाए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहुंचाने में, किस किस को पहुंचाया? सबसे पहले अबू बकर को पहुंचाया, सबसे पहले अबू बकर को पहुंचाया। मेराज से वापस आए ना, खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तबरानी की रिवायत है, इब्ने माजा में भी है, खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं मेराज से वापस आया, जिब्रील ने मुझसे पूछा कि अल्लाह के हबीब आप अफसरदा क्यों हैं? मैंने अर्ज किया जिब्रील मुझे फिक्र ये लाहक है कि ये मेराज का वाकया मैं लोगों को बताऊंगा, मेरी कौम तस्दीक नहीं करेगी, मेरी कौम ने मानना ही नहीं, इतना मुहय्यरुल उकूल वाकया कोई मानेगा ही नहीं, अभी बताया नहीं किसी को, अभी बात नहीं हुई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मैं फिक्र कर रहा था, फिक्रमंद था कि मेरी उम्मत तस्दीक नहीं करेगी, लोग मानेंगे नहीं। तो जिब्रील ने मुझे खबर दी कि तेरी उम्मत में एक सिद्दीक है, वो तेरी बात की तस्दीक करेगा, परेशानी की कोई बात नहीं। तो जिब्रील को कौन बताता है? जिब्रील को कौन बताता है? अल्लाह। जिब्रील को कौन भेजता है? अल्लाह। और जिब्रील कहता है सिद्दीक तेरी तस्दीक करेगा, गोया उसको अबू बकर को जो सिद्दीक बनाया और उनका लकब सिद्दीक रखा तो अल्लाह ने रखा, तेरी काली जुबान उसके खिलाफ उठती है, तुझे शर्म और हया भी नहीं आती कि जिसको अल्लाह ने सिद्दीक कहा तेरी जुबान उसके खिलाफ उठती है और फिर तू अपने आप को फिर भी मुसलमान कहता है? अल्लाह अकबर। 23 वर्ष लगाए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम पहुंचाया, खुतबा हज्जतुल वदा, क्या मैंने पहुंचा दिया है? हल बल्लग्तुकुम, पैगाम किसका था? अल्लाह का।
लाया कौन? जिब्रील अमीन। आया किसके पास? सादिक और अमीन। सुभान अल्लाह, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत और दयानत। सुभान अल्लाह, काफिर भी कहें कि आप सादिक और अमीन हैं। अब वही दीन जो अमीन लाया, अमीन के पास रहा, अमीन ने आगे पहुंचाया, अब उसने दिया किसको? वो ऐसे ही किसी को दे जाता? सहाबा किराम को दिया। हल बल्लगतुकुम, क्या मैंने पहुंचा दिया है? कद बल्लगता व अदैता व नसहता, सब बयक जुबान हो के बोले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहुंचा दिया, हम तक पहुंच गया, नसीहत का हक, खैरखाई का हक अदा हो गया। फरमाया अब आगे ड्यूटी तुम्हारी है। फल युबल्लिग शाहिदुल गाइबा, ए मेरे सहाबा, जो जो यहां मौजूद है, ये मेरा दीन हर उस शख्स तक पहुंचा दे जो यहां मौजूद नहीं है। ओ अल्लाह के बंदो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको ड्यूटी सौंप के गए दीन पहुंचाने की, अगर वो उसके खिलाफ तेरी जुबान उठती है तो इसका मतलब है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबियत ही ठीक नहीं करके गए। तू बात किन के खिलाफ करता? ये तौहीने सहाबा नहीं है, ये सिर्फ तौहीने अबू बकर रजी अल्लाह तआला नहीं है, ये तौहीने रिसालत है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ये हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तो कोई इंस्पेक्टर आता था ना, आजकल भी सिस्टम यही होगा, उस दौर में इंस्पेक्टर को बाबू कहते थे, बाबू आने वाला, और उस जिस दिन बाबू ने आना होता था पूरा पिंड साफ किया होता था, बाबू ने आना है, बाबू ने, डरे होते थे लोग, बाबू आ रहा है। और उस दिन अगर वो आके, इंस्पेक्टर आके सवाल पूछता है तो स्टूडेंट से पूछता है, तो स्टूडेंट कोई गलत जवाब दे तो जो इंक्वायरी लगती है ना वो हेडमास्टर की लगती है। तालीम में कमी रह जाए किसी तालिबे इल्म की, रिजल्ट कम आए बोर्ड से, तो आज भी इंक्वायरी हेडमास्टर और प्रिंसिपल की लगती है। क्यों? अगर नाकिस तालीम का इंतजाम है तो जिम्मेदार इदारे का सरबरा है। और बदबख्तो, तुमने जिस इदारे पर उंगली उठाई है उस इदारे के सरबरा, उस इदारे तरबियत के सरबरा, उनके मुरब्बी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। उन्होंने जो मॉडल हस्ती पैदा की है, जो अल्लाह को दिखाने के लिए नमूना बनाया है कि अल्लाह मुझसे पूछेगा कि तूने किसकी कैसी तरबियत की, तो मैं अबू बकर को पेश कर दूंगा कि अल्लाह मैंने तेरे ऐसे बंदे पेश किए जिनके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाए कि अल्लाह ने जमाने के दिलों पर निगाह डाली, सारे जमाने के दिलों से सहाबा किराम के दिलों को पाकीजा तर पाया, जिनके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सर्टिफिकेट दें, जिनके बारे में अल्लाह कुरान में सर्टिफिकेट दे, तुम्हें उसके खिलाफ जुबान खोलते शर्म भी नहीं आती? और नाम लेते हो मुहर्रमुल हराम का, नाम लेते हो वाकया शहादत हुसैन का, और कहानियां सुनाते हो अबू मिखनफ की, लूत बिन याहिया की झूठी रिवायात जो उसने 100 साल बाद या 50 साल बाद या 20 साल बाद लिखी है, उसका क्या ताल्लुक है किसी हकीकत और वाकये के साथ? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज से वापस तशरीफ लाए तो आपने जब बताया लोगों को, तो अबू जहल तो जाके सारे कुरैशियों को इकट्ठा करके ले आया कि ये कहता है मैं रातों रात सैर कर आया हूँ, मस्जिद अक्सा भी गया हूँ, फलां जगह भी गया हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उन लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मस्जिद अक्सा देखी हुई थी अपनी उमूमी ज़िंदगी में। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उमूमी ज़िंदगी में मस्जिद अक्सा नहीं देखी थी, रात को होके आए थे मस्जिद अक्सा। फरमाते हैं कि लोगों ने मुझसे सवाल करने शुरू कर दिए, बताओ मस्जिद अक्सा के सुतून कितने, बताओ मेहराब कितने। अब हमें ये तो नहीं पता कि कितने सुतून हैं, कितने, कोई भी शख्स गिन के थोड़ी आता। आप लोग इस मस्जिद में हर जुमे में आते हैं, आपसे कोई पूछे कि बताओ उसकी खिड़कियां कितनी, आपको गिन के थोड़ी गए। आपसे कोई पूछे कि हाल में पंखे कितने लगे हुए हैं, तो किसी ने नहीं गिने। अब अगर कोई शख्स, अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे तरद्दुद हुआ, वो सवाल पूछ रहे थे, मुझे तरद्दुद हुआ। अब चूंकि नबी की नबूवत का मामला था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर उनको कह देते
यही दलील जो मैं दे रहा हूं कि वहां जाने का मतलब ये थोड़ी है कि मैं कोई उसके शतीर बालक इनके थोड़ी आया हूं, लेकिन चूंकि नबी की नबूवत और उसकी सदाकत का मामला था, लिहाजा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ने मस्जिद अक्सा मेरे सामने ला के खड़ी कर दी। फरमाया उधर से वो सवाल पूछते थे, मैं उधर से देखता था जवाब दे देता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के बाद कायनात की सबसे अफजल हस्ती है, उनको तो रात को देखी हुई मस्जिद अक्सा, उसके बारे में तफसीलात का इल्म नहीं है। और ये अबू मिखनफ लूत बिन याहिया जो उस वाक़े में मौजूद भी नहीं था, ये किताब में तफसील लिखता है ऐसे जैसे ये चश्मदीद गवाह हो और उसकी बात पे सारी दुनिया एतबार कर लेती है। इससे बड़ी जहालत और गुमराही और क्या हो सकती। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। वाखिर दावाना है।